नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा में कार्यरत हूँ। आइए हम आज बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के बारे में। आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, हम ये जानेंगे किस प्रकार पेज लेआउट मेन्यू काम करता है, पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, हम किस प्रकार अपने पेज के मार्जिन सेट कर सकते हैं, और साथ ही हम जानेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट में किस प्रकार हेडर और फुटर इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट वर्ड से आप क्या समझते हैं? यह आपके पेज की रूपरेखा को डिस्क्राइब करता है, यह आपके पेज के ओरिएंटेशन तय करता है, जिस प्रकार चित्र में आपको दिखाया गया है। पेज लेआउट में मार्जिन इंक्लूड है, पेज का ओरिएंटेशन इंक्लूड है, साथ ही इंक्लूड है पेज साइज। किसी पेज का साइज डिफरेंट हो सकता है उसके हाइट विड्थ के बिहाफ पर। आप तय कर सकते हैं आपके पेज में जो लिखा जा रहा टेक्स्ट है वो एक कॉलम अथवा एक से ज़्यादा कॉलम के बीच में लिखा जाएगा। आप तय कर सकते हैं किस प्रकार पेज ब्रेक अथवा सेक्शन ब्रेक का आप इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को समेटे हुए है पेज लेआउट मेन्यू वर्ड डॉक्यूमेंट में जो अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन्स पर, पेज मार्जिन किस प्रकार सेट करें और पेज मार्जिन की सेटिंग क्यों ज़रूरी है। रेड सर्कल किया गया जो आइकन है वो पेज मार्जिन का आइकन है। जो ही आप पेज मार्जिन पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का चित्र आपको दिखाई देगा जो कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आप अपने पेज के मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं। मार्जिन वह प्लेस है जहाँ पर आप लिख नहीं सकते। मार्जिन चार तरह के हो सकते हैं, टॉप, डाउन, लेफ्ट और राइट। टेक्निकल भाषा में टॉप मार्जिन जो है वो सबसे ऊपर की तरफ होता है और जो बॉटम साइड है वो सबसे निचले हिस्से की तरफ होता है। आप ये तय कर सकते हैं किसी पेज के कितने हिस्से में आपको टेक्स्ट लिखना है और कितना हिस्सा उसका खाली छोड़ना है, जबकि आप अपने लिखे हुए वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं। उसकी सेटिंग इस प्रकार पेज मार्जिन के माध्यम से की जा सकती है। चित्र में रेड मार्क किया हुआ लाल कलर से चिन्हित किया गया प्लेस अलग अलग तरह के पेज मार्जिन को शो करता है। आप अपने अनुरूप भी पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं कस्टम मार्जिन पर क्लिक करके। बात करते हैं ओरिएंटेशन पर, पेज ओरिएंटेशन क्या चीज़ है, आप इससे क्या समझते हैं। यह पेज का ओरिएंटेशन आपको दो रूपों में दिखाई देता है, जिस प्रकार चित्र में दिखाई दे रहा है। पेज का ओरिएंटेशन या तो पोर्ट्रेट हो सकता है अथवा लैंडस्केप हो सकता है। पोर्ट्रेट पेज का जो साइज है उस पेज में ऊंचाई अर्थात हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है, और जो लैंडस्केप है उसकी विशेषता यह है कि ऊंचाई और चौड़ाई के अनुपात में उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और ऊंचाई कम होती है। अर्थात लैंडस्केप अगर आप करेंगे आपके पेज का जो साइज़ है वो विड्थ में बढ़ जाएगा और हाइट में कम हो जाएगा। तो आप अपने टेक्स्ट के अनुरूप पेज ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारे पास प्रिंट के दौरान एक और महत्वपूर्ण ऑप्शन सम्मुख प्रस्तुत होता है जो कि आपको मिलेगा पेज लेआउट में, जिस पर हमें चुनाव करना होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किस पेपर साइज में प्रिंट करना चाह रहे हैं, जिसको हम पेज साइज कहते हैं। चित्र में आपको लाल चिन्हित किया गया स्थान पेज साइज को निर्देशित कर रहा है। जो ही आप पेज साइज पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। अमूमन सामान्यतया हम A4 साइज़ का पेज सेलेक्ट करते हैं प्रिंटिंग के लिए। आप चाहें तो अपने पेज
पेज के साइज को बदल भी सकते हैं। चित्र में विभिन्न प्रकार के पेज साइज दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह के पेज साइज का आप चुनाव करेंगे, उसी तरह का पेज आप अपने प्रिंटर को भी अवेलेबल कराएंगे। तो कुछ पेज साइज के नाम आपको स्क्रीन पे लिखे हुए दिखाई देंगे, जिस प्रकार लीगल है, A5 है, A4 है, A3 है। ये अलग अलग पेज साइज के नाम हैं। इनके ऊंचाई और चौड़ाई अर्थात हाइट और विड्थ अलग अलग साइज में मेजर की जाती है। इस प्रकार आप पेज साइज का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखे हुए कॉलमों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तौर पर हम वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी एक ही कॉलम पर लिखते हैं, अर्थात वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा जा रहा टेक्स्ट एक पेज में जो आपको दिखाई देता है वो एक कॉलम को प्रदर्शित करता है। अगर आप चाहते हैं किसी एक पेज में एक से ज़्यादा कॉलम लिखे जाएं, तो इसके लिए आपको पेज लेआउट मेन्यू पर क्लिक करना होगा। उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कॉलम्स ऑप्शन। जो ही आप कॉलम में क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का चित्र दिखाई देगा, जहाँ पर कॉलम 1 बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड फॉर्म में होगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है वो एक ही कॉलम में है। अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा कॉलम इस्तेमाल करें, तो चित्र में दिखाई दे रहे आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं 2 कॉलम है, आप 2 पे क्लिक कीजिए। आप चाहते हैं 3 कॉलम्स के रूप में अपने टेक्स्ट को प्रदर्शित करें, तो आप 3 पर क्लिक कीजिए। और भी उस पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उनका चुनाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा कॉलम्स पर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में 2 कॉलम्स में लिखा गया टेक्स्ट, लाल रंग से चिन्हित किया गया स्थान एक वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करता है जिसमें 2 अलग अलग कॉलम्स में कुछ टेक्स्ट लिखा गया है। और आगे बढ़ते हैं, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में 3 कॉलम सेलेक्ट करेंगे, तो किस प्रकार आपका वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। लाल चिन्हित किया गया स्थान अलग अलग कॉलमों को प्रदर्शित कर रहा है। चित्र में 3 कॉलमों में एक वर्ड डॉक्यूमेंट को दिखाया गया है। आइए बात करते हैं पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक क्या चीज़ हैं। हम पेज लेआउट ऑप्शन के माध्यम से इनका इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं। पेज ब्रेक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आपके पेज को ब्रेक कर देता है, अर्थात जहाँ पर आप पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं, उस स्थान से आगे का टेक्स्ट नए पेज से शुरू होता है। सेक्शन ब्रेक भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन सेक्शन ब्रेक में आपके पास 2 अन्यत्र ऑप्शन हैं, जिनमें से हम सेक्शन ब्रेक के पहले ऑप्शन को जानते हैं कंटिन्यूस, और दूसरे ऑप्शन को जानते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के माध्यम से। तो आइए इस पर बात करते हैं किस प्रकार आप ये तय कर पाएंगे कि जो ब्रेक ऑप्शन है, जिसको सामान्यतया बोलचाल की भाषा में हम पेज ब्रेक कहते हैं, वो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को कितने तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। पहला महत्वपूर्ण ऑप्शन आपको ब्रेक में पेज ऑप्शन लिखा हुआ दिख रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, करंटली आपका जो कर्सर जिस प्लेस पर है उससे आगे का टेक्स्ट एक नए पेज से शुरू हो जाता है। अगर आप सेक्शन ब्रेक पर क्लिक करते हैं, सेक्शन ब्रेक पर आपको 2 ऑप्शन मुख्यतया दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है नेक्स्ट पेज। जिस स्थान पर आपका कर्सर है, अगर आप सेक्शन ब्रेक के नेक्स्ट पेज में क्लिक करते हैं, तो आपका जो नया टेक्स्ट है, जो आगे लिखा गया टेक्स्ट है, वो न्यू पेज से शुरू हो जाता है। इस तरह के ब्रेक की जानकारी हमें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं, उस दौरान हमें अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरह से ग्रुप करना होता है, और तमाम तरह की सेटिंग्स और फॉर्मेटिंग के लिए इस तरह के ब्रेक की आवश्यकता हमें बार बार पड़ती है। तो हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को ग्रुप फॉर्मेट में रखने के लिए भी ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं लाइन नंबर्स पर। अगर आप चाहते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर कुछ लाइन नंबर्स का इस्तेमाल करें, हर लाइन में कुछ नंबरिंग ऑटोमेटिकली हो जाए, उसके लिए आप लाइन नंबर्स पर क्लिक कीजिए। चित्र में चिन्हित किया गया है लाल रंग से चिन्हित किया गया स्थान लाइन नंबर जिस पर लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने के पश्चात
आपको कुछ इस तरह का चित्र दिखाई देगा जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। शुरुआत में जो पहला ऑप्शन है नन है, अर्थात आप अपने डॉक्यूमेंट में अभी तक लाइन नंबर्स इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं। अगर आप करना चाह रहे हैं, पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कंटिन्यूस। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो लाइन नंबरिंग है वो स्टार्टिंग से शुरू होता जाएगा और जब तक कि आपका डॉक्यूमेंट समाप्त नहीं होता तब तक वो एक एक के ऑर्डर में बढ़ता रहेगा। अगर आप यह चाहते हैं कि हर पेज में नया पेज नंबर शुरू किया जाए, तो उसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन का चुनाव करना होगा, जिस ऑप्शन का नाम है रीस्टार्ट ईच पेज। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चित्र में आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट को मार्क किया गया है और साथ ही उसमें लाइन नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है। बाईं ओर आप देखेंगे लाइन नंबर्स एक एक के क्रम में बढ़ती जा रही हैं और उसके दाहिनी ओर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है। एक अन्य ऑप्शन पर हम बात कर रहे हैं जो पेज लेआउट में अवेलेबल है। पेज लेआउट मेन्यू में क्लिक करने के तत्पश्चात आपको हाइपरनेशन एक ऑप्शन मिलेगा। यह क्या सुविधा है, इससे आप क्या समझते हैं, इस पर बात करते हैं। हाइपरनेशन एमएस वर्ड की एक ऐसी सुविधा है जो किसी एक लाइन में आ रहे टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर सकता है। अगर आप हाइपरनेशन ऑफ रखते हैं तो कोई एक वर्ड या तो पूरा का पूरा उसी लाइन में एडजस्ट हो जाएगा या पूरा का पूरा एडजस्ट नहीं होने की दिशा में नई लाइन में चले जाएगा, जिससे आपके टेक्स्ट के जो विजुअल इफेक्ट्स हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। विजुअल इफेक्ट्स को उचित बनाने के लिए हम हाइपरनेशन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जो ही आप हाइपरनेशन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन नन सेलेक्टेड आता है, अर्थात अगर कोई एक वर्ड जो 10 या 8 करेक्टर कंटेन करता है, कोई बड़ा साइज का करेक्टर कंटेन करता है, वो किसी एक लाइन में पूर्णतया नहीं आ पा रहा है, या तो वो एक लाइन में स्प्लिट हो जाएगा अन्यथा वो उसी लाइन में एडजस्ट हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि उसके कुछ करेक्टर तो पहली लाइन में आ सकते हैं, कुछ और करेक्टर जो बच जाते हैं वो नई लाइन में ऑटोमेटिकली चले जाएं। इस काम के लिए आपके हाइपरनेशन के ऑटोमेटिक ऑप्शन को क्लिक करना होगा। किसी एक वर्ड के जो करेक्टर बच जाएंगे उस करेक्टर के अंत में डैश साइन आ जाएगा, जिसको हम सामान्यतया मैनुअल लेखन में भी इस्तेमाल करते हैं। जब किसी लाइन में लिखते हुए कुछ शब्द कुछ करेक्टर हमारे बच जाते हैं तो हम उनको नई लाइन में लिख देते हैं। तो इस तरह की सुविधा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आपको प्रोवाइड करता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम बात कर रहे थे पेज लेआउट के बारे में। विभिन्न प्रकार के ऑप्शन पर हमने चर्चा की, उम्मीद है कि आपके लिए कारगर रहा होगा। थोड़ा सा हम नए ऑप्शंस की तरफ हम बात करेंगे जिसमें मुख्यतया शामिल हैं हेडर और फुटर। हेडर और फुटर क्या चीज़ हैं, सबसे पहले हम इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के टॉप पर और बॉटम पर इस तरह की सूचनाओं का संकलन जो कि हर पेज में सामान्यतः एक जैसा रहे, उन सुविधाओं को हम हेडर या फुटर के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, हेडर अर्थात जो टॉप पे इस्तेमाल किया जाए, फुटर जो कि बॉटम साइड इस्तेमाल किया जाए। आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे, यह ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेंगे, इस पर बात करते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, हमने रिबन को दिखाया है। रिबन में आपको इंसर्ट ऑप्शन रेड मार्क किया हुआ दिख रहा है। इस इंसर्ट ऑप्शन में आपको एक और रेड मार्क किया हुआ प्लेस दिख रहा है जिसमें हेडर एंड फुटर्स लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आप इंसर्ट पर क्लिक करके हेडर और फुटर तक पहुंच सकते हैं। हेडर और फुटर इस्तेमाल करने के लिए आपको हेडर अथवा फुटर या दोनों, जो कोई भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस बिंदु पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के तत्पश्चात आपको कुछ इस तरह का चित्र दिखाई देगा जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें आपके पास कुछ पहले से बने बनाए हेडर आपको दिखाई दे रहे हैं, हमने उनको लाल रंग से चिन्हित किया हुआ है।
और साथ ही अगर आप इनमें से किसी टेम्पलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्री फॉर्मेटेड हेडर या फुटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद वह हेडर आपके डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगा। आप चाहते हैं उस हेडर का फॉर्मेटिंग तो आप अप्लाई करें, लेकिन टेक्स्ट आप अपना इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं और अपना नया टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अन्यथा चित्र में लाल रंग से चिन्हित किया गया एक और प्लेस दिखाई दे रहा है जिसका नाम लिखा गया है एडिट हेडर। आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने अनुरूप, अपनी सुविधा के अनुसार आप हेडर टाइप कर सकते हैं अथवा उस पर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। हमने चित्र में दिखाने का प्रयास किया है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा चित्र ऑथर ABC आपने हेडर में लिखा हुआ है और फुटर में आपने लिखा है माई फुटर, तो आपने उस टेक्स्ट को बोल्ड भी किया हुआ है। इस प्रकार हम अपना स्वयं का हेडर लिख सकते हैं और उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसको कलरफुल भी लिख सकते हैं, उसको डिफरेंट फॉन्ट की स्टाइल में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हेडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपका हेडर या फुटर फिनिश हो जाए तब आप उसके बटन पर क्लिक कर दीजिए जिस पे लिखा हुआ है क्लोज हेडर एंड फुटर, जिसको हमने लाल रंग से चिन्हित किया हुआ है। तो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में आप हेडर और फुटर का इस्तेमाल कर सकेंगे, यह हम सूचना आपको दे रहे थे। और उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए लाभदायक साबित होगा। धन्यवाद।